तो दोस्तों दरअसल यहाँ पर क्या है, बहुत ही देखो ये घास हो गई है, इस घास को पाटेंगे और बरगद के पत्ते पत्ते हो गए उनको साफ करेंगे। देखो इतनी सारी घास घास है, हाँ लग भी गई थे अभी, क्या थक गई अभी तो पाड़ना स्टार्ट किया। यहाँ की घास पाड़ूंगी और ये पत्ते पत्ते जो साइड में इकट्ठे करूंगी फेंक दूंगी। बरगद के कितने सारे पत्ते हो गए थे। अजय तू क्या कर रहा है? मैं बस गड़बड़ बना रहा। अरे वाह तू भी काम में लगा है। देख और यहाँ ना मिट्टी थोड़ी सी खड्डा हो गया यहाँ पर, यहाँ मिट्टी डालनी पड़ेगी। यहाँ अगर के इधर ना खड्डा होना है ना शुभ नहीं रहता। यहाँ ना मिट्टी डाल के यहाँ का लेवल बराबर करना पड़ेगा। का हैंडल ना निकल गया है, वो आप ही डाल लेते हैं और फिर यहाँ से झट निकालते हैं। क्या बरगद के बहुत सारे पत्ते पत्ते हो जाते हैं ना, इसलिए उनको डेली साफ करना पड़ता है और ये बहुत सारे और हो जाते हैं। तो अभी तो लोग यहाँ से बरगद काट देते हैं, थोड़ा बहुत काटते हैं, मना करते हैं तो भी काटने लग जाते हैं और पत्ते पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। वापिस साफ सफाई यहाँ की करते नहीं है, फिर मुझे सुबह उठ के साफ करना पड़ता है। और ये झाड़ू का हैंडल है जो बार बार निकल रहा है, बार बार डाल रही हूँ बार बार निकल रहा है। ये इसका हैंडल ही एक तरह पकड़ने वाला है ना, तो ऐसे बार बार निकल रहा है। इसको अच्छी तरह से डाल भी रही हूँ तो बार बार निकल रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी सुबह का टाइम है, जल्दी साफ सफाई कर लेते हैं, बाकी घर के बहुत सारे काम भी करने हैं अभी। तो क्या करें, पत्ते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, सारे पत्ते को इकट्ठा करके अभी जला देंगे या फिर कचरे पात्र में फेंक देंगे। क्या झाड़ू निकालने से कौन थकता है, कोई थकते थोड़ी है। सुबह सुबह झाड़ू निकालना बहुत अच्छा रहता है, तो झाड़ू निकालने से एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और साफ सफाई की साफ सफाई हो जाती है, इससे कभी ना फिर कमर नहीं दुखती। डेली झाड़ू निकाल देना तब तो। दरअसल क्या है दोस्तों, बरगद के पत्तों से परेशान हो गए। ये बरगद का पेड़ हमारे घर के सामने है तो डेली इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और डेली इतना सारा कचरा जलाना पड़ता है, इतना सारा कचरा। देखो तो देखो दोस्तों सारे पत्ते जल चुके हैं और तो आधे अधूरे जल जाएंगे, इतने जल चुके हैं तो पूरे भी जल जाएंगे। अर्जुन बहुत बीच में बोलता है, कह रहा है अभी आधे अधूरे जले, जो आधे जले वो तो पूरे जलेंगे ना। तो देख इससे क्या हो सकता है अर्जुन, पता तुझे? सर्दी के टाइम है ना, इनको ऐसे जला लो और ऐसे पास में बैठ जाओ तो सर्दी भी नहीं लगेगी। चलो भी तू भी आ जा, आ जा जा। देखो ये फ्लोपी आ रहा है, फ्लोपी ले ले। अरे क्या इसको डर लग रहा है फ्लोपी, आपसे नहीं आ रहा। देखो फ्लोपी को डर लग रहा है, फ्लोपी मेरे पास नहीं आ रहा, दिखा इसको तो आलस मोड़ रहा है, इसको डर लग रहा है, भाग गया वो। और फ्लोपी को आग से डर लगने लग गया है इसलिए वो भाग गया, मेरे पास ही नहीं आया। पापा के पास जा रहा है लगता है। ये देखो पूरे पत्ते धपा धप जल रहे हैं, ये धपा धप जल रहे हैं और इसकी गर्मी बहुत तेज हो रही है। मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अब ये पत्ते अपने आप जलते रहेंगे।